क्या सोच रहे हो सर? यार मैं सोच रहा हूँ कि हमें राजनीति में आना पड़ेगा। क्यों सर, वीडियो चलने बिल्कुल बंद हो गए क्या? अरे नहीं यार, वीडियो बहुत चलता है ना, तो थोड़ा सा बदलाव आता है। सत्ता में आ गए तो एक झटके से सब बदल देंगे। पर अपने को वोट कौन देगा सर? अरे मैं हिंदू हूँ, सारे हिंदू वोट देंगे। पर वो पार्टी तो पहले से है सर। अरे जात पात पे खेल जाएंगे। वो पार्टी भी पहले से है सर। अरे कुछ और सोच लेंगे, अपने को चाहिए बस एक नारा, फिर कर देंगे सबको किनारा। भाइयों और बहनों, आपकी माँ मेरी माँ एक माँ है, गौ माता। और जो गाय को नहीं खाता है वही हमारा मतदाता है। पर आज से वो एक ही नारा लगाता है, भैया में भैया, लोगी भैया। देवियों और सज्जनों, जनता ने फैसला सुना दिया है, गौ आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है। अब देखना यह है कि क्या वो सत्ता में बने रह पाते हैं। अब तो सर सत्ता हमारे हाथ में है, जो बदलना चाहते हैं बदल देते। यार सत्ता में आके चीजें कैसी बदलती हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? धरना पे बैठ जाएं क्या? सर सरकार में आने के बाद वो सब करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो रातों रात टीवी पे अनाउंस कर देते हैं कि आज रात 12 बजे से बकरा मुर्गा काटना, खाना खिलाना सब बंद। सर वैसे 70% लोग वो है जो खाते हैं, तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा सर। अच्छा क्या करें फिर? सर वो जो भैंस का मांस एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो बैन कर देते हैं, हमारे लोग तो भैंस खाते भी नहीं। अरे जेब बात। आज हम आपको दिखाएंगे एक हैरत अंगेज नजारा। देश की सड़कों पे जहाँ पे आज तक सिर्फ गाय घूमती थी, उनके साथ भैंसे भी घूमती नजर आ रही हैं। और साथ ही में हो रही है एक और अजीब बात, जैसे जैसे सड़क पे भैंसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? अनमोल दूध वाले को बुलाओ, वो विपक्ष के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा है क्या? हाँ? अरे अनमोल क्या चल रहा है ये? अरे सर जी, हमारे जो भैंस पालने वाले आदमी हैं, पहले वो काटने के लिए भैंस बेच देते थे, अब वो पैदा तो करा रहे हैं लेकिन काटने के लिए बेच नहीं पा रहे बस। अरे उनसे संभलती नहीं तो वो पैदा कराई क्यों रहे हैं? अरे सर अपने शौक के लिए थोड़ी ना पैदा करा रहे हैं, दूध के लिए करा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ दूध का फंडा। भैंस तभी ना दूध देगी जब वो बच्चा देगी। अब जब वो बच्चा नर पैदा होता था, हमारे काम का तो होता नहीं था, तो हम उसे बेच आते थे। और जब भैंस बुढ़ा जाती थी, दूध देना कम कर देती थी, तब भी हम उसे बेच आते थे। इससे जो है सड़कें साफ रहती थी, और जो 4 पैसा हमको मिलता था उससे हम दूध भी डिस्काउंट पे दे पाते थे। अच्छा तो चक्कर दूध का है, तुम आज रात को टीवी पे अनाउंस कर दो कि आज रात से दूध भी बंद। सर बकरे मुर्गे तो 70% लोग खाते हैं, दूध तो 100% लोग पीते हैं, अगली बार तो इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाएगी हमारी। मैं समझ गया, तो सरकार में आके अगर समाज को बदलना है तो उसके लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है, जिसके लिए चाहिए वोट और जिसके लिए चाहिए लोग। तो सरकार में आके आप पशु कल्याण के लिए कुछ ऐसा बदलाव नहीं ला सकते जिससे लोगों की पूंछ पे पैर आता हो, तो पहले हमें लोगों को ही बदलना होगा। यानी यही कि हम कहानियां सुनाते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, और जो जगता जाएगा वो औरों को भी जगाता जाएगा।